आपका हमारे पास पिछले कई वीडियो में कमेंट आ रहा है, आपका कमेंट है कि आप लोगों को जो गवर्नमेंट से पैसा आता है डीबीटी के थ्रू, एनपीसीआई के थ्रू, वो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में लेना है, लेकिन आपका जो अकाउंट लिंक है जो यहाँ पे एनपीसीआई की वेबसाइट पे, उसमें आपका जो दूसरा अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो डीबीटी होती है वो आपको मालूम होगा, गवर्नमेंट का जो भी पैसा आपके खाते में आएगा वो आपका जो आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक होगा उसी में आएगा। कई लोग ऐसे हैं कि उनका जो खाता है वो बंद हो चुका है, तो उनको गवर्नमेंट से कोई भी पैसा अगर आता है तो यहाँ पे वो उनको नहीं मिल पाता है। वैसे आप देखेंगे तो देखिए, पीएम आवास का पैसा आधार कार्ड के थ्रू आता है, और जो भी आपका पेंशन वगैरह है वो भी आपके आधार कार्ड के थ्रू आती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई पीएम किसान निधि की किस्त है वो भी आपकी आधार कार्ड के थ्रू ही आती है। तो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का पैसा अगर आपको प्राप्त करना है या लेना है, उसके लिए आपके आधार कार्ड में जो आपका अकाउंट है वो लिंक होना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपको अपना जो एनपीसीआई डीबीटी जो आधार शीट्स है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे, सारा प्रोसेस मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि आप लोगों के काफी जो कमेंट है वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप भी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे आधार शीट डीबीटी के लिए लिंक कर पाए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप घर बैठे खुद से मोबाइल से इस काम को कर सकते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आया है जिससे कि आप जो आधार शीट्स है, जो अकाउंट नंबर है, वो आप यहाँ पे लिंक कर सकें। उसके लिए आपको बैंक जाना होगा, आपके नज़दीक में जो भी ब्रांच पड़ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ पर जाकर ही आपका जो काम है वो हो पाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे बैंक में जाके उसको यहाँ पे सीट्स कराना है। देखिए यहाँ पे आपको एक ये फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म का आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में भी आप कर सकते हैं और आप वर्ड में भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको डाउनलोड करना है वैसे आप कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना है, आपको ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे फिल होगा वो हम आपको बता देते हैं, और ये फॉर्म लेके आपको ब्रांच में सबमिट कर देना है। तो चलिए फॉर्म कैसे फिल करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है द ब्रांच मैनेजर और ब्रांच और बैंक, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपकी जो भी ब्रांच है, जिस एरिया में आपकी ब्रांच पड़ती है उस ब्रांच का आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। नीचे आपके जो बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे जो ब्रांच है उसका एड्रेस डाल दिया है, और यहाँ पे हमने जो स्टेट बैंक है वो यहाँ पे हमने डाल दी है। अब देखिए यहाँ पे डियर सर अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक में अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आपको जो आपका अकाउंट पे नेम है वो आपको यहाँ पे अकाउंट पे नेम डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना जो नेम है वो नेम डाल देना है। हमने आपको डेमो के लिए यहाँ पे ये एक्स एक्स करके यहाँ पे दिखा दिया है, वैसे आपको यहाँ पे अपना पूरा जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आप यहां पे देखेंगे आई एम मेंटेनिंग आप बैंक अकाउंट नंबर, आपने ऊपर जो अकाउंट नंबर डाला है वही अकाउंट नंबर आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है आई सबमिट माय आधार नंबर एंड वॉलेंट्री गिव माय कंसेंट। यहां पे देखिए आपका जो आधार कार्ड की डिटेल है वो यूआईडीआई से आपसे ली जाएगी, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो मेंशन होना चाहिए, सेंडिंग एसएमएस अलर्ट टू मी, लिंक द आधार नंबर टू ऑल माय एग्जिस्टिंग न्यू फर्दर अकाउंट्स एंड कस्टमर प्रोफाइल CIF विद योर बैंक। आप ये जितने भी परमिशन है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बैंक को दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने जो सिग्नेचर है वो आपको कर लेने हैं, जो भी है आप थंब लगाते हैं या सिग्नेचर करते हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पे कर लेना है।
फिर उसको और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तीनों ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नया अकाउंट है, इससे पहले आपका किसी भी बैंक में कोई भी आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं है, तो आपको जो पहले वाला ऑप्शन है सबसे ऊपर वाला वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेकेंड वाला ऑप्शन अगर आपका मान लीजिए पहले से किसी बैंक में आपका अकाउंट लिंक है लेकिन आपको अब चेंज करना है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई सी भी आपकी बैंक हो, तो आपको सेकेंड वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे टिक कर लेना है। थर्ड वाला है, मान लीजिए कि आपका इससे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका आधार कार्ड लिंक है लेकिन आपको चेंज नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपका पहले से जिस बैंक में है उसी में रखना है तो आपको थर्ड वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। लास्ट है, आई डू नॉट विश टू सीड्स माई अकाउंट्स फॉर योर बैंक विथ NPCI मेंबर। अगर आपका किसी भी बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है और आपको वहां से उसको रिमूव करना है, आप नहीं चाहते किसी भी तरीके की कोई भी जो DBT है, तो आपको जो लास्ट वाला है उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये आपको कैसे फिल कर देने हैं। जैसे मान लीजिए आपका नया अकाउंट है, आपको फ्रेश आपको यहाँ पे देना है ये फॉर्म फिल करके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टेट बैंक का अभी जो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे डाला है वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ये आपको उस कंडीशन में देना है इससे पहले आपका किसी भी बैंक में कोई भी आधार लिंक नहीं है। अब बात करते हैं सेकेंड वाले का। अगर आपका किसी दूसरे बैंक में पहले से लिंक है और आपको जो सेकंड वाला है उसमें आपको यहाँ पे चेंज करना है, यानी कि अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे करना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ INN नंबर। अब ये INN नंबर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे ले चलता हूं। देखिए नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग लाइफ मेंबर्स, यहां पे आपको जितनी भी भारत के बैंक हैं सबके जो INN नंबर्स हैं वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको आपका जो बैंक है उसको आपको सर्च कर लेना है। तो हम यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है और यहां पे आपको ये दिख रहा है ना, ये इसका INN नंबर है, यानी कि इस वाले रो में जितने भी ये नंबर्स हैं ये सभी बैंक के INN नंबर्स हैं। तो ये नंबर को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और फिर से फॉर्म पे चले जाते हैं। आपको यहां पे उस नंबर को डाल देना है INN नंबर्स के सामने। INN नंबर्स हमने यहाँ पे डाल दिया है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो उसी कंडीशन में आपको करना है जब आपको अपना जो किसी दूसरे बैंक से चेंज करना है, उस कंडीशन में आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। तीसरा वाला ऑप्शन, अगर आपका पहले से किसी बैंक में आधार लिंक है और आपको उसको चेंज नहीं करना, आप चाहते हैं कि जिस बैंक में मेरा जो DBT का पैसा आता है वो उसी बैंक में यहाँ पे आए, तो आपको क्या करना है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो बैंक है उसका नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको जो INN नंबर है वो डाल दिया है। मैंने आपको भी बताया जो INN नंबर है वो आप उस वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जब भी इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, आपको जो भी ब्रांच है जो भी बैंक है आप यहाँ पे INN नंबर उसके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जब ये पूरा फॉर्म जो फिल हो जाए फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है, यहाँ पे सामने मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको आधार कार्ड की एक कॉपी भी आपको यहाँ पे लगा लेनी है। जब आपका पूरा फॉर्म ये फिल हो जाए फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से आपको एक जो सिग्नेचर है या जो भी है आप अंगूठा लगाते हैं वो आपको यहाँ पे लगा लेना है, और एक अंगूठा आपको यहाँ पे या सिग्नेचर है वो आपको कर लेने हैं। पूरा आपका फॉर्म फिल हो जाए, ठीक है, उसके साथ में आपको आधार कार्ड की एक कॉपी प्लस आपको एक फोटोग्राफ, ये आपको अपनी जो स्टेट बैंक की ब्रांच है वहां पर आपको देना होगा। ठीक है, बैंक आपसे इसको रिसीव कर लेगा, आपके पास एक SMS आ जाएगा, 7 दिन के अंदर अंदर आपकी जो NPCI या DBT है सीड्स है वो आपका यहाँ पे अकाउंट में सक्सेसफुल हो जाएगा। आप सोचें कि घर बैठे हो जाए, घर बैठे नहीं हो सकता, उसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा। वैसे ये जो फॉर्म है आपको ब्रांच से भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको इस फॉर्म को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप PDF भी और वर्ड भी दोनों को आप यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना आधार सीट्स एनपीसीआई डीबीटी लिंक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आप कैसे यहाँ पे कर पाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको समझ में कुछ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।